नमस्कार, मैं हूं एसएस पांडे। सबक्रियर में आप सभी का स्वागत है। आइए ले चलते हैं आपको समाचार की ओर। आज हमारे बीच एसबीआरए साहब मिस्टर संजय राय जी आए हुए हैं मुगरा बादशाहपुर पुलिस थाने में। आइए हम जानते हैं आपसे कि आपका परिचय और आप किस बैच के हैं, और आज आप जो चल करके आए हैं साप्ताहिक निरीक्षण में, किस तरीके की व्यवस्था जौनपुर जिले में या मुगरा बादशाहपुर थाने में आप देना चाहते हैं, कि क्या संदेश आपका प्रशासन की तरफ से रहेगा, आइए जानते हैं। संजय राय सर बताए। सर, मैं संजय राय, एसपीआरए जौनपुर। मैं 1998 बैच का कैट पीपीएस ऑफिसर हूँ। लगभग 8 जिलों के बाद आपके जनपद में आया हूँ। जहाँ तक पुलिस व्यवस्था की बात है, तो इसमें जो किया गया है कि प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति जो भी थाने पर आएगा, उसकी बात सुनी जाएगी, और सुनने के बाद यथोचित कार्रवाई, जो भी विधिक कार्रवाई होती है वो की जाए। मेरा आप सभी लोगों से ये भी अनुरोध है कि जो अपराध और अपराध जो अपराधी हों, अपराध करते हों, उनके बारे में आप सूचना दीजिए। आप विश्वास करिए कि आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, और हम आपके सहयोग से एक अच्छी व्यवस्था जो समाज चाहता है उसको देने की कोशिश करें। यह भी आपसे अनुरोध है कि चूँकि यह श्रावण मास चल रहा है और ये भगवान शिव का महीना माना जाता है, और बहुत से कांवड़िए हमारे जो है इस रास्ते से होकर जाते हैं, हमने पूरी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया है, ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया है, लेकिन कोई बात ऐसी हो जाती है तो उसमें आपके सहयोग की अपेक्षा है। तत्काल आप सभी जो हमारे पूरा बादशाहपुर के गणमान्य व्यक्ति हैं, तत्काल मौके पर पहुंचकर पुलिस का सहयोग करें, ताकि किसी प्रकार की वहां पर अव्यवस्था न हो। यदि किसी भी पीड़ित को कोई शिकायत हो या किसी प्रकार की परेशानी हो, तो हम लोगों के नंबर सभी थानों पर अंकित है, वो सीधे हमसे संपर्क कर अपनी बात बता सकते हैं। एक चीज़ ये सर मैं कहना चाहता हूँ कि आपके स्टेशन अफसर अनिल कुमार सिंह जी, अभी जिस तरीके से हम लोग उनको वाच कर रहे हैं या सिस्टम को उनको देख रहे हैं, इनकी व्यवस्थाएं बहुत बेहतर चल रही है, चाहे वो कांवड़ियों को लेकर के हो या ट्रैफिक को लेकर के हो, सारी चीज़ों पर आपकी व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से कंसल्टेट है। आप अपने स्टेशन अफसर को किस तरीके के दिशा निर्देश करेंगे कि इनकी व्यवस्था और भी चाक चौबंद हो और अपराधी पकड़े जाए, किसी प्रकार के अच्छे लोगों को तंग ना किया जाए, किसी प्रकार की समस्या ना क्रिएट हो, इसके लिए सर स्टेशन अफसर को क्या दिशा निर्देश देंगे सर? ये तो बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार जो है पत्रकार बंधु जो है और पुलिस की तारीफ कर रहे हैं और वहाँ के स्टेशन अफसर की तारीफ कर रहे हैं, तो निश्चित ही निसंदेह ही अच्छे कार्य उनके द्वारा किए जा रहे हैं। और चूँकि एक अच्छे अधिकारी हैं, इस जनपद में कई अच्छे स्टेशनों पर रह चुके हैं, उनके अच्छे कार्य को देखते हुए ही उनको यहाँ पर पोस्ट किया गया है। और निसंदेह यह भी बात है कि एक जो जाना जाता है कि अपराधियों के अंदर उनका अच्छा खौफ भी है, और इसी मकसद से लगे रहते हैं। पूरे जनपद में कहीं भी कोई अपराध होता है तो उनकी सेवाएं भी ली जाती हैं। और चूंकि आपका जो थाना है मुगरा बादशाहपुर, ये जनपद इलाहाबाद से लगा हुआ है, एक कोने का थाना है, सीमावर्ती थाना है, इसी कुछ सब कुछ समझ कर उच्च अधिकारियों ने इनकी पोस्टिंग की। सर, ये महीने में जो आपका ये थाना दिवस का कार्यक्रम चलाया जाता है विभाग के द्वारा, इस पर व्यवस्थाओं को कितनी जिम्मेदारी से निभाई जाती है, कितनी त्वरित तरीके से इस पर कार्रवाई करने का ये जिम्मेदारी होता है, इस पर क्या विचारधारा रहती है कि नहीं, जो भी आपके लोग आए, पीड़ित पक्ष लोग आए, उनको कितनी जिम्मेदारी से त्वरित कार्रवाई करने का आप व्यवस्था बनाते हैं? सर, देखिए, जो हमारा ये थाना दिवस है, अब इसको पूर्ण समाधान दिवस का दर्जा दिया गया है, जिसमें राजस्व विभाग और अन्य विभाग के लोग भी आते हैं। तो जो भी जमीन संबंधी मामले हैं, जैसे ही 2 बजे हमारा ये पूर्ण समाधान दिवस का टाइम ख़त्म होता है, तो हम प्राथमिकता के आधार पर 3-4 मामले छांट लेते हैं, और उसमें राजस्व की टीम और हमारी पुलिस की टीम मौके पर जाकर उसके निस्तारण करने की
प्रत्येक कोशिश करते हैं। धन्यवाद संजय झा जी। आज सबकी नज़र से मैं राम कुमार जायसवाल, वीडियो जर्नलिस्ट और कैमरामैन।